टेक्नोलॉजी के अंदर तो आज हमने बनाया है ये वैक्यूम क्लीनर। तो ये कैसे बनता है मैं आपको बताया था, वीडियो आपको मैं किसी और दिन दूंगा। तो देखो ये कैसे बनता है। सबसे पहले आपने क्या लेना है, सबसे पहले आपने एक मोटर ले लेनी है। मोटर लेने के बाद तारें अटैच कर लेनी है जैसे मैंने की है, देखिए दोस्तों। तारें अटैच करने के बाद अपने कार्ड को लेना है और उसको बस की सहायता से 10 सेंटीमीटर की लेंथ में सर्कल की मदद से काट लेना है। उसके अंदर मोटर के साइज का शेद करना है, फिर इसको जोड़ लेना है। उसके बाद ये 7 सेंटीमीटर की एक पट्टी काटनी है और उसकी पूरी तरफ इर्द गिर्द लपेट देनी है। वो चार लपेटी, फिर उधर इस जगह से एक शेद कर लेना है। शेद जैसे मैंने शेद किया देखो, तो शेद कर लेना है वहाँ पर। इस तरह की स्टेप कंटेनर टाइप का बना के इसमें अटैच कर लेना है। फिर ये करना है आपने, फिर अंदर देखो मैंने इसके अंदर प्रोपेलर भी लगाया है, तो अपने प्रोपेलर लगा लेना है। और फिर मैंने ये फेविकोल का डब्बा लिया था, इसके नीचे जाली लगा दी, किसी भी कपड़ी जाली लगा देते हो। लगाने के बाद मैंने इसको फिक्स कर लिया है। इस चीज़ को नीचे की तरह बराबर काट लेना और फिक्स कर लेना। उसके बाद मैंने ये मोबाइल चार्जर लिया था, ख़राब था, मैंने ठीक कर लिया है। और मैंने पीवीसी पाइप ली है एंड ये बोतल। अब जैसे हम इसके ऊपर इसको लगाएंगे कि तो उसमें अटैच हो गया है। ओके, तो उसमें आपको दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। दिखाने के लिए आपको अभी दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। फ्रेंड्स मैंने ये देखी काफ़ी टोटे घटे से फाड़ के रख ली है सोसाइटी के अंदर। आपको दिखाती हूँ किस तरह से काम करता है। देखिए इसके अंदर प्रोपेलर भी घूम रहा है, आपको दिख जाएगा सर प्रोपेलर भी घूमेगा। देखिए दोस्तों प्रोपेलर घूमने लग पड़ा हमारा, घूम रहा है दोस्तों। और दोस्तों जैसे हम ये खींचता है ना कैसे है, देखिए दोस्तों चपक के साथ। ये देखिए दोस्तों किस तरह से खींच रहा है, देखिए दोस्तों किस तरह से खींच रहा है, देखिए देखिए दोस्तों किस तरह से खींचता है। इतना ईजी बनाना है तो आप जरूर बनाइए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।